धनेन्द्र भारद्वाज, धनेन्द्र भारद्वाज, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि कल यही सवाल उठ रहे थे ना कि गठबंधन के कैसे टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ मैनिफेस्टोज आ रहे हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया, हर वर्ग को साधा गया, 400 का टारगेट है, उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं को साधा गया है यहाँ पर, लेकिन अब तक आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के लोगों से वादा खिलाफी कर रही है। आज मोदी जी ने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने 10 साल पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, आज रोजगार उनके भाषण से गायब था। ये सवाल का जवाब सौरभ दुबे बैठे हैं, सौरभ दुबे हैं, मैं उनसे लूंगी। पहले लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति बताइए ना, 6 गारंटीज की आपने तो घोषणा की थी ना मंच से। पूजा जी आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया तो उस पर बात कर लीजिए, जिस दिन हमारा आएगा उस पर ही बात करेंगे। आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि बेरोजगारी की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है बढ़ती महंगाई की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है किसानों के ऊपर अत्याचार की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब होने की जर्जर करने की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी, क्योंकि 10 साल में इसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं करा, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, आज डॉलर 85 रुपए पहुंच गया, आज सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी। समय आज के पास थोड़ा सा कम है धनेन्द्र जी, अब क्योंकि इतने सवाल उठे हैं और